नमस्कार दोस्तों, वीकली मार्केट इंसाइट्स में स्वागत है आप लोगों का ट्रेड क्वेस्ट वीकली वेबिनार में। मैं हूँ आपका आरबी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट राजू अंगड़ी विश्वनाथ। आइए यहाँ पे हम लोग सेकेंड वीक ऑफ मार्च मार्केट एनालिसिस के बारे में और स्टॉक को ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड सेटअप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस सेशन में मैं आपको पहले इंडेक्स का एनालिसिस डिस्कस करेंगे हम लोग, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी का मेजर ट्रेंड कैसा रहेगा और ये हफ्ता कैसा पैन आउट हो सकता है और कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिवली ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट्स बना सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे लेवल्स को पकड़ना है, एलियॉट वेव काउंट्स क्या कहते हैं, और उसके बाद स्टॉक्स ऑफ द वीक में आपको स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करके शेयर करूंगा अपना इनसाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस के साथ। निफ्टी हमारा यहाँ पे एलियॉट वेव काउंट्स देखा तो ओवरलैपिंग फैशन पे अपवर्ड मूव दिख रहा है, तो 22,500 एक प्राइस ऑब्जेक्टिव था वो क्लियरली अचीव हो गया और लास्ट वीक का ट्रेडिंग सेशन फाइनल ट्रेडिंग सेशन एक डोजी और इनडिसाइसिवनेस या वही पे 22,500 पे बंद हुआ है निफ्टी। यहाँ से अगर एक्सटेंशन होता है तो वो बेस्ट केस सिनारियो होगा, नहीं तो यहाँ से करेक्शन आना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेव थ्री अगर कंप्लीशन का देखते हैं तो ए बी सी अगर इरेगुलर फ्लैट हो जाता है तो मैं इरेगुलर फ्लैट क्या होता है लास्ट वीक के वीडियो में हमने समझाया भी था, फिर से एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ दिखा देता हूँ कैसा इरेगुलर फ्लैट हो सकता है। सो ए एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से ऐसा एक इरेगुलर फ्लैट बोलते हैं, ये हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो ये इरेगुलर फ्लैट हो सकता है, ये एक सिनेरियो है, नहीं तो ये एक एंडिंग डायगोनल जो बन रहा है निफ्टी में ये एक सिनारियो बन सकता है निफ्टी का जो माइनर करेक्शन एक लेवल तक लेके आ सकता है मार्केट्स को। सो दोनों के सिनारियो मैं अगर एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो ये दिख रहे हैं अपने को, तो दोनों एक करेक्टिव एडवांस दिख रहे हैं क्लियरली, मैं ड्रॉ करके दिखा चुका हूँ। तो बेसिक एक पैटर्न का एनालिसिस वो कैसे एलियट वेव का एक चीज ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो पहले एंडिंग डायगोनल का देख लेते हैं यहाँ पे कैसे हो सकता है इन अ शॉर्टर डिग्री 21,000 तक दोनों के सिनेरियो में मार्केट्स को करेक्ट करना है, फास्टर पेस में रिट्रेस करना शुरू कर देना है यहाँ से नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे में। अगर 20,400 के नीचे 350 के नीचे हम लोग ट्रेड नहीं करते तो मार्केट करेक्शन की तरफ आना मुश्किल है और क्या करना है उसका बेस्ट बुल केस सिनेरियो में वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है एंडिंग डायगोनल का पैटर्न ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए बी सी डी ई क्लियरली इन द ओवरलैपिंग फैशन। ये एक केस सिनेरियो हो गया हमारा। इसके अलावा हम लोग जो इरेगुलर फ्लैट पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या इरेगुलर फ्लैट कैसे हो सकता है, एक्सटेंशन हो गया जो हमारा ऑलरेडी इरेगुलर फ्लैट का, तो 21,000 टू 20,800 तक निफ्टी की आने की चांसेस रहते हैं जो शिफ्ट फाइव वे फॉल में आ सकता है इरेगुलर फ्लैट अगर होता है तो उसके बाद हो सकता है हमारा फिफ्थ वेव एडवांस क्लियरली इन द नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव जो एक माइनर करेक्शन कंप्लीट करके अप मूव की तरफ चला जा सकता है, जो जब भी इरेगुलर फ्लैट होता है तो ए पैटर्न यूजुअली बनते हैं। तो ये हो गया क्लियरली एक पॉइंट ऑफ व्यू और एनालिसिस। तो बुल केस सिनेरियो अगर 22,600 के ऊपर सस्टेन 500 के ऊपर सस्टेन करके 600 625 भी क्रॉस करता है मार्केट्स गैप अप से फास्टर पेस में तो 23,000 तक जाने की संभावना है और ऑन ए ग्रेजुअल एक्सपेंशन स्लो करेक्शन फिर 23,500 एटलीस्ट टच करेगा बिफोर एनी लेग ऑफ करेक्शन और 24,000 भी टच कर सकता है मार्केट्स, तो ये इन अ बुलिश नोट 1-2-1-2 हो जाता है एलियट वेव्स का। तो बेसिकली दो के सिनेरियो सभी
जो मोस्ट लाइकली दिख रहा है वो ओवरलैपिंग फैशन में चल रहा है, या तो एंडिंग डायगनल है या तो इरेगुलर फ्लैट है। अगर बुलिश भी हो जाता है एक्सट्रीम तो गैप अप करके इसको मार के सभी रेजिस्टेंसेस को क्लियर करके रन अवे मार्केट कहते हैं, ऐसा रनिंग रनिंग करेक्शन करके ऊपर जा रहा है बोल के 1-2 1-2 करके नेक्स्ट बुल केस मार्केट्स जाने के लिए तैयार हो गया बोल के बोल सकते हैं। सो 1-2 सो लार्जर डिग्री थर्ड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैसा बन सकता है ये थर्ड, थोड़ा और स्ट्रेच कर दिया तो फिफ्थ भी एक्सटेंड हो जाएगा। सो वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो थर्ड 23,000 के आसपास टच करके थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर नेक्स्ट लेग कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। ये एक क्वाइट अ गुड केस सिनेरियो 23,000 और 23,500 तक जाने की विदाउट एनी करेक्शन जाने की संभावना है, तो ये बुलिश केस सिनेरियो। तो ट्रेड कैसा करना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है निफ्टी में, अभी तो एनालिसिस और सिनेरियोस हम लोग के पर्सपेक्टिव में दिखा दिए। तो 22,350 क्विकली ब्रेक करता है तो वहां से शॉर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप हम लोग सस्टेन नहीं करते 22,430 मंडे के दिन तो वहाँ प्रीवियस डेज लो से सेलिंग आने का संभावना हो जाता है निफ्टी का, और स्टार्ट होता है 22,350 और उसके नीचे 22,200 एंड 21,900 तक की जर्नी स्टार्ट हो जाती है मार्केट्स की। तो ये क्लियर लेग सिनेरियो हो गया। तो हमारा यहाँ पे 21,900 to 850 लेवल्स तक ट्रेंड लाइन क्विकली अगर ब्रेक करता है मार्केट्स इन ए फास्ट पेस, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं तो ये एक चीज तो कंफर्म है करेक्शन है स्टार्टेड एंड करेक्शन थोड़ा और दिन रह सकता है जो नो मून के साथ स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट फुल मून तक एटलीस्ट ये फास्टर पेस में करेक्शन कंप्लीट कर देगा ये महीने में। इन दैट केस सिनेरियो ये निफ्टी का व्यू है। अगर बेरिश होना है तो बुलिश, अगर 22,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसको 600 625 के ऊपर ऑन ए रन अवे ट्रेड स्टार्ट कर दो बुलिश की तरफ। 23,000 ऐसे टारगेट्स एटलीस्ट आपको अचीव हो जाएंगे। 22,450 और 22,400 एज ए स्टॉप लॉस लगा के आप बुलिश कंटिन्यूएशन कर सकते हो। चांसेस लाइक अराउंड 70% एक माइनर करेक्शन की है जो 1,000 1,500 पॉइंट्स तक हो सकती है। 30% चांसेस अभी बुलिश कंटिन्यूएशन की भी है। तो प्रोबेबिलिटीज के साथ ट्रेड करो क्लियरली ऑब्जेक्टिवली ट्रेड करके प्रॉफिट बनाओ। तो अभी दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग पैटर्न में ऊपर जा रहा है तो ये इधर कुछ ट्रायंगल जैसा बना रहा है, क्या बना रहा है हमको भी देखना पड़ेगा क्योंकि वेरी शिफ्ट वे में अगर फॉल करता है बैंक निफ्टी यहाँ से तो हम लोग बड़े कंसोलिडेशन में उतर चुके हैं बैंक निफ्टी में। जो HDFC बैंक दिखा रहा है अगर बैंक निफ्टी बनाता है या लीडिंग डायगनल बना रहा है तो यहाँ पे करेक्शन खत्म कर देगा बैंक निफ्टी अराउंड 45,600 के आसपास। या ट्रायंगल बना रहा है तो हम लोग को वॉच आउट करना होगा इन ए लार्जर डिग्री। बैंक निफ्टी बड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिफ्थ वेव में जाने की तैयारी में है। तो ABCDE कंप्लीट करेगा। अभी सी वेव डाउन आ सकता है बैंक निफ्टी अराउंड 45,600 तक। तो ट्रेड कैसे करने हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट वीक का हाइस 48,400 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अभी हम लोग 47,700 के नीचे बेरिशनेस चालू होगा, 47,300 के नीचे मोर बेरिश हो जाएगा बैंक निफ्टी। शिफ्ट फॉल दिखेगा 40,000 1,500 पॉइंट्स का, हमको 46,000 to 46,700 की लेवल्स तक बैंक निफ्टी मार के देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड कॉशियसली एंड वाइजली एंड ऑन ए ब्रेकआउट फ्रेश आईसी दिखेगा अपने को
48,300 to 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो वी आर हेडिंग मच हायर। अभी थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा, जैसा चार्ट्स दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के। वेल फिन निफ्टी क्या कर रहा है, वो भी लीडिंग डायगोनल की तरह दिख रहा है, लेकिन कैसे करेगा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 21,200 एज ए रेजिस्टेंस, 20,800 एज ए सपोर्ट, उसके हिसाब से ट्रेड करो और रिएक्ट करो। तो ये वीकली एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का। अभी मिड कैप निफ्टी को देखते हैं, सिमिलरली ट्राइंगुलर पैटर्न इन ए सी वेव दिख रहा है हमको। तो ए बी सी डी और ई वेव में अगर नेक्स्ट लेग करके ट्रायंगल के आइदर वे ब्रेकआउट में ही फाइनल डिसीजन हमको लेने लेने को चाहिए, जो क्लियरली मिड कैप्स इन ए कंसोलिडेशन सेलेक्टिव स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं, तो कॉशियस नोट पे रहो। फिफ्थ वेव बाकी है दिख रहा है, जैसा स्मॉल कैप इंडेक्स कैसा दिख रहा है ए बी सी। सो डी वेव में अब हम लोग अप मूव दिख रहा है, तो स्मॉल एंड मिड कैप्स इन्हें टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो ब्रेकआउट आइदर वे होने के बाद ही हमको क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा कौन सा हो हम लोग पूरा ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। 14,500 to 14,400 इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, 15,300 मेजर रेजिस्टेंस होगा अभी स्मॉल कैप के लिए। मिड कैप भी सिमिलरली वही पैटर्न के लिए 49,500 600 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, नीचे की तरफ 47,800 सपोर्ट होगा। सो दोनों तरफा देख के ट्रेड करो, क्योंकि ट्रायंगुलर पैटर्न्स बहुत टफ पैटर्न्स हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। सो दोस्तों ये हो गया हमारा वीकली इंडेक्स का वेव एनालिसिस। बिफोर स्टॉक्स ऑफ द वीक डिस्कस करने से पहले, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल्स पे रेगुलर मार्केट एनालिसिस, डेली मार्केट एनालिसिस, वीकली मार्केट एनालिसिस और एजुकेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करो। यूट्यूब चैनल बेल बटन नीचे है, सब्सक्राइब कर लो। और हमारा सर्विसेस हम लोग सभी रजिस्टर्ड है, एडवाइजरी, लाइव ट्रेडिंग रूम और ऑप्शन जीटा मल्टीबैगर ऑप्शंस वर्कशॉप। सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप वो लिंक चेक करके हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो वापस आ जाते हैं स्टॉक्स ऑफ द डे में, स्टॉक्स ऑफ द वीक में, सॉरी, स्टॉक एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो बेसिकली हमारे स्टॉक्स है, फर्स्ट पिक है आईटीसी, जो बहुत अच्छा दिख रहा है, 390 to 410, बहुत अच्छा सा अक्यूमुलेशन जोन है आईटीसी के लिए, तो अक्यूमुलेट कर लो आईटीसी को। लुक्स वेरी गुड ऑन द चार्ट्स, 390 to 410 बहुत अच्छा दिखता है, तो ऐड कर लो आईटीसी को ग्रेजुअली। और 480 एज ए इनिशियल टारगेट्स रख लो, लेकिन 650 to 730 लेवल्स एटलीस्ट आईटीसी टच कर सकता है ये फिफ्थ वेव एडवांस में, जो मैथमेटिकली फाइव वेव का प्राइस प्रोजेक्शन ऑब्जेक्टिव दिखता है। सो वॉच आउट आईटीसी फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months, बहुत अच्छा बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है स्टॉक। अभी नेक्स्ट स्टॉक है आईओसी, विच इज लुकिंग गुड ऑन द चार्ट्स, लेकिन दोनों के सिनेरियो में शॉर्ट भी कर सकते हो, आईओसी को लॉन्ग भी जा सकते हो। आईओसी क्या कर रहा है, अभी करेक्शन पे उतरा हुआ है, तो 181-182 रेजिस्टेंस की, 180 to 182 रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और नीचे 154 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा आईओसी के लिए। तो ग्रेजुअली ये कंसोलिडेशन में इधर नीचे या आ सकता है, या 178 to 180 के ऊपर सस्टेन करता है तो वी आर गोइंग टू हेड हायर, आईओसी टच कर सकता है, फिर से 195 फ्लैट करेक्शन होगा, नहीं तो WXYZ करेक्शन होगा। कैसे करेक्शन पैन आउट होगा उसके ऊपर, अभी करेक्टिव डिक्लाइन में है, लेकिन ये तो बनाएगा फ्रेश है इन्वेस्टर्स, आप अपने अक्यूमुलेट कर लो 150 तक, तो टारगेट होगा 250 से 300। आईओसी बहुत अच्छा दिख रहा है लॉन्गर टर्म, ऑन ए नेक्स्ट 6 months to 1 year परस्पेक्टिव, 150 to 250, मतलब 50-60% रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आईओसी हो गया, फिर एक्साइड इंडस्ट्रीज इज लुकिंग गुड ऑन द चार्ट्स। तो आप लोग एक्साइड इंडस्ट्रीज को अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट बेट।
और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी अगर 331 332 के ऊपर सस्टेन करता है तो 345 तक एटलीस्ट एक साइड टच करेगा, नहीं तो 305 टू 310 312 के आसपास अगर डिप करता है तो एक साइड को अक्यूमुलेट करो फॉर 340 50, अगर ये रेंज में रह सकता है फिर फाइनली 450 500 लेवल्स एक साइड हमको देखने को मिलेगा। तो एक साइड इंडस्ट्री इज लुकिंग वेरी गुड ऑन द चार्ट्स। अभी ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीक बाई कर सकते हैं 332 के ऊपर विथ 323 एज अ स्टॉप लॉस। सो एक साइड लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस भारती एयरटेल इज अनदर स्टॉक विच वी लाइक। अगर ये 1220 के ऊपर क्रॉस करता है जो लास्ट वीक का है ये, तो ऊपर की तरफ हमको 1300 1350 का टारगेट्स एटलीस्ट देखने को मिलेंगे, नहीं तो वापस यहाँ से शॉर्ट भी अगर इफ इट्स अ थ्रो बैक शॉर्ट का, या तो शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हो आप 1190 के बीच नीचे 1148 1160 और 1135 की लेवल्स का टारगेट्स पोजिशनली देखने को मिलेंगे। इन्हें इरेगुलर फ्लैट करेक्शन 1080 भी देखने को मिलेगा, वहां से हमको बड़ा एक्सटेंशन मिल सकता है 1500 से 1700 तक का टारगेट भारतीय एयरटेल अने लॉन्ग टर्म एलियट वे परस्पेक्टिव जो देखने को मिल रहा है। तो ये हो गए दोस्तों स्टॉक्स ऑफ द वीक फॉर द सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2024। होप आपको सारा एनालिसिस, इंडेक्स का एनालिसिस और स्टॉक्स का एनालिसिस क्लियर है। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं दोस्तों, प्लान करते हैं अपना ट्रेडिंग इंसाइट्स विथ योर सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आरवी। तब तक के लिए धन्यवाद और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वीक। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक दोस्तों।